नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है, हर घर में है शबरी माता। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिस भांति प्रत्येक भारतीय के मानस में रमी है और जिसके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र का, उसके चरित्र का अनुकरण हर भारतीय अपने घर में ही करता है। पिता के रूप में वे दशरथ है, माता के रूप में कौशल्या, पुत्र के रूप में राम, पुत्र वधू के रूप में सीता और भाई के रूप में लक्ष्मण आदि अनेक उदाहरण हमारे समाज में भरे पड़े हैं। संसार के सभी संबंध और साथ ही सभी संबंधों की मर्यादाओं का पालन भी उसी प्रकार करता है जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम, लखन, जानकी और सभी पात्रों ने निर्वाह किए हैं। इसी प्रसंग में शबरी माता का प्रसंग भी उल्लेखनीय है। जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण सहित शबरी माता के आश्रम में पहुंचे तो माता ने उनको प्रत्येक फल को चख चख कर खाने को दिया कि कहीं मेरे राम को खट्टा फल ना चला जाए। तो देखिएगा, आज हर घर में माता शबरी का स्वरूप विराजता है और इसी को दर्शाता हुआ एक आनंददायक प्रसंग आपके सामने लाया हूं। इस प्रकार से आप सुनिए इसको और आनंद लीजिएगा। देखिए, छोटे बच्चे का दूध बनाया, हाथों को उल्टा किया, दो बूंद टपका कर देखा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं, उसी को चखा भी कहीं मीठा ज्यादा या कम तो नहीं, उसके बाद बच्चे को देना। पति के लिए जूस बनाया और जूस देने के पहले देखा कि कहीं जूस खराब तो नहीं हुआ, पहले जरा सा जूस चम्मच में चखा और जब लगा कि स्वाद बिगड़ा नहीं तो पति को दे दिया पीने के लिए। सवेरे जब बच्चों के लिए टिफिन बनाया तो सब्जी चक्कर देखी, नमक मसाला ठीक है, तब खाना पैक करके दिया। स्कूल से वापस आने पर बच्चों को संतरा छील कर दिया, उसकी एक एक परत खोलकर चेक करी और देखा कहीं इसमें बीज या कीड़े तो नहीं है, फल खट्टा तो नहीं है। सब देखभाल करने के बाद जब संतुष्टि हुई तब माँ बच्चों को एक एक करके संतरे की फांक खाने के लिए देती। दही का रायता बनाते समय लगा कि कहीं दही खट्टा तो नहीं है, चम्मच से मामूली सा दही लेकर चेक किया, उसको चखा, बोले हाँ ठीक है। जब तसल्ली हुई तभी दही का रायता बनाया। सासू माँ ने सुबह खीर खूब मन भर कर खाई, रात को फिर खाने के लिए खीर की मांग हुई तो झट से बहू ने उसको सूंघा चखा कि कहीं गर्मी के दिन है या रखी दिन भर रखी हुई खीर कहीं खराब या खट्टी तो नहीं हो गई, उसको चखा तब माँ को खाने के लिए दी। बेटे ने सैंडविच की फरमाइश की तो उसका खीरा छीलकर एक टुकड़ा खाकर देखा कहीं कड़वा तो नहीं, ब्रेड को सूंघा चखा कि कहीं पुरानी तो नहीं दे दी दुकान वाले ने, संतुष्ट होने के बाद ही बेटे को गर्मा गर्म सैंडविच बनाकर खिलाया। दूध दही सब्जी फल आदि ऐसी अनेक कितनी चीजें होती हैं जो घर की महिलाएं सभी को परोसने से पहले मामूली सी चख लिया करती हैं। तो जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाती किसी को खाने को नहीं देती, और यही तो कारण है हमारे पारिवारिक सदस्य निश्चिंता के साथ अपने घर की शबरी माता के स्वरूप के चखे हुए खाने को खाकर स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। भगवान राम की भांति हम आनंदित भी होते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। हमारे भारतीय परिवारों की हर स्त्री शबरी की तरह अपने परिवार का ध्यान रखती है और घर के लोग भी माता शबरी के इन झूठे बेरों को खाकर सुखी सुरक्षित स्वस्थ और संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हर माँ हर बीबी हर प्रत्येक स्त्री अपने घर के सभी सदस्यों के लिए माता शबरी ही तो है ना, बोलो है ना। यह संस्मरण समर्पित है प्रत्येक उस महिला को जो अपने परिवार के लिए शबरी माता है। आज दिनांक 29 नवंबर 2023, मार्गशीर्ष मास
कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि शरद ऋतु सूर्योदय 6:56 प्रातःकाल सूर्यास्त 5:20 सायंकाल। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल मेख राशि के साथ। आज स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। योग व्यायाम ध्यान में निरंतरता बनाए रहिएगा। चिकित्सक की सलाह लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है अथवा आपके प्रति उनके स्नेह में कुछ कमी का भी आभास आपको हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बने रहने की संभावना है। कार्यभार की अधिकता से तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके सहयोगी अथवा अधिकारियों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से निम्न से कुछ अधिक सहयोग प्रेम की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार की बहस से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाणी पर संयम रखें। स्वाध्याय आत्मचिंतन लाभकारी होगा। बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा। आज आप कच्चा दूध काला तिल कच्चा मीठा मिला जल भगवान शिव को अर्पित करें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र पहनने से आपको लाभ होगा। वृक राशि स्वास्थ्य सर्वोत्तम बने रहने की आशा है। प्रातःकालीन भ्रमण योग व्यायाम निरंतर करते रहिएगा। साधारण भोजन लीजिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ निम्न अवस्था में रह सकती है। सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रेम में कमी का आभास भी हो सकता है। किसी से भी किसी प्रकार की बहस करने से बचें। किसी का स्वास्थ्य आपके मन को विचलित कर सकता है। कार्यस्थल पर मध्यम अवस्था का वातावरण बने रहने की आशा है। थोड़ा कार्यभार की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। आपके सहयोगी अधिकारी से आवश्यकता अनुरूप ही बात करें। जीवन साथी का प्रेम और सहयोग कुछ कमी लेकर आपको प्राप्त होने की संभावना है। शांति में ही आनंद है। क्रोध ना कीजिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा। पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाए रखिएगा। आज के दिन आप हरे रंग को परिधान में प्रधानता दें। अपने बड़ों का विशेष रूप से अपनी बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। मिथुन राशि स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहने की वाला है। ध्यान स्वाध्याय और योग निरंतर करते रहिए। सात्विक आहार कीजिए जिससे आपके विचार भी उत्तम बनेंगे और आप उससे लाभान्वित भी होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक अवस्था में बने रहने की संभावना है। धन संबंधी कोई भी निर्णय आप सावधानी से लें। बिना बजट के कुछ खर्चा ना करें। पारिवारिक स्नेह प्रेम कुछ कमी के साथ आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अनावश्यक बहस मत कीजिएगा। कार्यस्थल पर स्थिति बहुत अच्छी बने रहने वाली है। सहयोगी और अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। नई योजना बनाइए उनको क्रियान्वित कीजिए। उसके लिए अच्छा समय चल रहा है और भविष्य में आपको लाभकारी भी होगा। जीवन साथी के प्रेम एवं सहयोग आपको मिलता ही रहेगा। पुरानी बात को लेकर कोई बहस ना करें। शांत रहिएगा। प्रेम और स्नेह से घर के वातावरण को सुंदर बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाहर घूम कर आने का विचार अच्छा रह सकता है। आज आप सफेद वस्त्र सफेद चंदन धारण करें और घर में पुरानी वस्तुओं को आप अपने घर से बाहर निकाल दें। कर्क राशि स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में रहने की संभावना है। निरंतर ध्यान योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति ठीक अवस्था में बनी रहेगी। सावधानी से खर्चा करें। परिवार के प्रेम स्नेह की कुछ मध्यम अवस्था में प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपके सहयोगी पूर्ण सहयोग देंगे। नई योजना बनाइए और उनको लागू भी कीजिए। आपको लाभ होगा। आज आपका जीवन साथी से स्नेह और प्रेम कुछ मध्यम अवस्था में मिलने वाला है। सफेद काले रंग का मिश्रित उपहार उनको दें। आपको अच्छा लगेगा। वातावरण सुंदर बनेगा। परिवार का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। शांति बनाए रखिएगा। आज के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। घर में अनावश्यक वस्तुओं को ना रखें। शिवालय में भगवान शिव पर जल अर्पित करें। उनकी पूजा करें। अच्छा रहेगा। सिंह राशि स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बना रहेगा। योग ध्यान निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में रहने की संभावनाएं हैं। निवेश के लिए उत्तम समय है। परिवार का प्रेम सहयोग भरपूर मिलने वाला है। किसी पारिवारिक जन के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ भी होने की संभावनाएं हैं। कार्यस्थल परिस्थिति कुछ मध्यम अवस्था निम्न से कुछ अधिक बनी रहेगी।
जीवन साथी से पूर्ण प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा बने रहने की आशा है। आज आप नारंगी रंग या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें, पीले रंग का तिलक धारण करें, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सात्विक भोजन कीजिएगा, व्यायाम भ्रमण निरंतर करते रहिएगा, इसके साथ ही योग भी। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से भी सहायता ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम अवस्था में रहने की आशा है। धन के खर्च होने की भी संभावनाएं हैं, सावधानी से काम लगे। और पारिवारिक स्नेह प्रेम की पूर्ण रूप में आपको प्राप्ति होने वाली है। कार्यस्थल पर स्थिति कुछ तनावपूर्ण बनी रहेगी। अधिकारी सहयोगी से अनावश्यक वार्तालाप ना करें, किसी भी प्रकार की बहस से अपने को बचाएं। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग की भरपूर प्राप्ति होगी। सफेद रंग का उपहार उनको भेंट करिएगा। आप भी सफेद रंग का वस्त्रों में प्रयोग करें, भोजन में सफेदी वस्तुओं को सम्मिलित करें, चंदन का तिलक धारण करें। तुला राशि, स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा कुछ मध्यम अवस्था में बना रह सकता है। नियमित ध्यान योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति तंग सी बनी रहने की आशा है। और सावधानी से खर्चा करें, बिना सोचे विचारे बिल्कुल खर्च न करें। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की कमी का आभास कर सकते हैं। किसी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी अवस्था में बनी रहेगी। वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाभ में रहेंगे। क्योंकि आज जीवन साथी से प्रेम सहयोग कुछ निम्न स्तर पर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। उनको कोई सफेद रंग का उपहार दीजिएगा। आज के दिन आप छोटे बच्चे विशेष रूप से कन्याओं को सफेदी रंग का मिष्ठान वितरित करें, आपको अच्छा लगेगा, बच्चों को प्रसन्नता होगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। योग व्यायाम निरंतर कीजिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में है। निवेश के लिए उत्तम समय है। पारिवारिक वातावरण कुछ मध्यम अवस्था में बना रहेगा। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। कार्यस्थल परिस्थिति ठीक बनी रहेगी। सहयोगी अधिकारी से कोई समस्या होने की संभावना हो सकती है। जीवन साथी से प्रेम इसने कुछ कम स्तर पर प्राप्त होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कहीं पर भ्रमण की योजना बनाएं। आप लाइट ब्राउन कलर का कोई वस्त्र पहने, लाल तिलक धारण करें, लाभ में रहेंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रह सकता है। स्थायित्व के लिए ध्यान योग भ्रमण निरंतर कीजिएगा। किसी व्यसन को भी त्यागने का समय है। दृढ़ निश्चय के साथ उसका त्याग कर दें। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से इस विषय में सलाह भी ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। सावधानी से खर्चा करें। कहीं पर धन अनावश्यक रूप से भी खर्च हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक प्रेम स्नेह सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। कार्यस्थल परिस्थिति ठीक अवस्था में रहने की संभावना है। अपने सहयोगी अधिकारी से सहयोग आपको मिलता रहेगा। जीवन साथी से भरपूर प्रेम और स्नेह मिलने की संभावना है। प्रेम भाव हमेशा बनाए रखें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज आप वस्त्रों में ऑफ व्हाइट रंग को प्रधानता दें, भोजन में सफेद रंग को प्रधानता दें, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें, आप लाभ में रहेंगे। मकर राशि, आज स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रहेगा। ध्यान योग में निरंतरता से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी। निवेश की योजना बनाएं, भविष्य में आपके लिए लाभकारी होंगे। परिवार के प्रेम स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होगी। सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यस्थल परिस्थिति ठीक, किंतु कुछ तनाव लिए हो सकती है। किसी भी प्रकार की बहस से बचें। अपने काम से काम रखिएगा। जीवन साथी की भरपूर प्रेम और स्नेह की प्राप्ति की संभावनाएं हैं। आज आप सफेद वस्त्रों को धारण करें, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, लाभ में रहेंगे, फायदा होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कुछ तंग बनी रह सकती है। सावधानी से काम लें, सोच समझ कर खर्च करें। परिवार से प्रेम सहयोग की पूर्ण प्राप्ति होगी। सबसे मधुरता का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। प्रेम का व्यवहार करें। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत बनी रहने की संभावनाएं। सभी से सहयोग की आशा की जा सकती है। जीवन साथी से भरपूर प्रेम सहयोग की प्राप्ति होगी। अनावश्यक बहस से बचें। उनके साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाएं। आज आप हरे वस्त्र और हरे खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। किसी को ऊनी वस्त्र कंबल हो सकता है। दान देने से आपको लाभ होगा। मीन राशि,
स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है, ध्यान भी रखना होगा। सात्विक भोजन, भ्रमण, योग निरंतर करते रहें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवस्था में बने रहने की संभावना है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह भरपूर मिलता रहेगा। कार्यस्थल परिस्थिति मजबूत बनी रहेगी। सहयोगियों अधिकारियों का साथ मिलेगा। आपके साथ सभी अनुकूल व्यवहार करेंगे। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह कुछ कमी के साथ प्राप्त होने की संभावना है। मस्तक पर लाल रंग का तिलक धारण करें। देव स्थान में भगवान हनुमान जी की पूजा करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। बस आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर देश विदेश की ताजा खबरों जानकारियों के साथ। मासिक दैनिक राशिफल, मित्रों यही राशिफल और न्यूज आप हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सियाराम।